भारतीय सिनेमा में पहली बार ऐसी फिल्म बनने जा रही है जिसमें 80 और 90 के दशक के चार दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को टाइटल दिया गया है बाप ऑफ ऑल फिल्म का। इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। इस फिल्म का फर्स्ट लुक देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म एक्शन से भरपूर होने वाली है। सनी देओल का लुक देखने के बाद उनकी फिल्म जीत में निभाए गए किरदार की याद आ जाती है। वहीं बात करें इस फिल्म में दूसरे एक्टरों की तो इस फिल्म में सनी देओल के साथ साथ जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये चारों दिग्गज कलाकार कभी भी किसी भी एक बड़ी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये चारों दिग्गज कलाकार एक साथ किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। हालांकि ये सभी कलाकार एक दूसरे के साथ किसी न किसी फिल्म में नजर आए ही हैं, लेकिन एक साथ किसी फिल्म का हिस्सा पहली बार बनने जा रहे हैं। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हो सकती है। जहां एक तरफ खान्स की फिल्में बुरी तरह पिट रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह आ पड़ रही हैं, वहीं इन चारों दिग्गज कलाकारों की फिल्में लोग देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं बात करें सनी देओल के बारे में तो सनी देओल की फिल्म गदर 2 का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। अब इतनी बड़ी फिल्म बन रही है और इस फिल्म में 80 और 90 के दशक के चार दिग्गज कलाकार हैं, तो आप लोग इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म का बजट कितना होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का बजट 100 करोड़ के पार हो सकता है, क्योंकि ये फिल्म एक्शन से भरपूर होने वाली है और अपने समय के चार बड़े दिग्गज कलाकार इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो ये चारों कलाकार इस फिल्म को करने के लिए फीस के रूप में एक मोटी रकम वसूल भी करने वाले हैं। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म साल 2023 के अंत तक रिलीज की जा सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को बाप फिल्म का कितना इंतजार है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।